नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 36 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार से बाहर इन 5 राज्यों के लिए चलेंगी 1000 नई बसें। सोनू सूद से मिलने जाएंगे बेगूसराय के चंद्रशेखर। कोरोना से लड़ने के संसाधनों की होगी पड़ताल। भारत के पहले अंडर वाटर ट्रेन की होने जा रही टेस्टिंग। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने 145 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। संघ लोक सेवा आयोग ने रिसर्च ऑफिसर योगा, असिस्टेंट डायरेक्टर इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के कुल 145 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिसे उम्मीदवार जारी की गई आधिकारिक सूचना में पढ़ सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस नौकरी के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upseonline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहार में 36 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। बता दें कि सरकार ने 36 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें 14 जिलाधिकारी का तबादला भी किया गया है। सरकार ने गृह विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार राय को पश्चिम चंपारण का जिलाधिकारी बनाया है, तो वहीं पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार को पूर्णिया का जिलाधिकारी बनाया है। पूर्णिया के जिलाधिकारी सुहर्ष भगत को औरंगाबाद का जिलाधिकारी बनाया है। इधर सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे को खगड़िया का डीएम बनाया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश को कटिहार का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, तो वहीं विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग के निदेशक वैभव चौधरी को सहरसा का जिलाधिकारी बनाया गया है। तो वहीं उत्पाद आयुक्त सह निबंधन महानिदेशक बी कार्तिकेय धनजी को शिक्षा परियोजना का निदेशक बनाया गया है। साथ ही राज्य परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने MD कंवल तनुज को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सरत सागर के बारे में। सरत सागर एक भारतीय सामाजिक उद्यमी और डेक्सटरीट ग्लोबल के संस्थापक और CEO हैं। उन्हें 2016 फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में एक सामाजिक उद्यमी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सागर प्रसिद्ध टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति के विशेषज्ञ भी हैं। सागर एक उद्यमी के रूप में शिक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने 2008 में 16 साल की उम्र में डेक्सटरीटी ग्लोबल की स्थापना की। सागर ने ओस्लो में टेलीनॉर यूथ फोरम 2016 में भाग लिया। सागर एक उद्यमी के रूप में शिक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। बिहार में स्कूली बच्चों में किताब बांटने को मनेगा पुस्तकोत्सव। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा ट्वीट कर दी गई जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल को पूरे राज्य में पुस्तकोत्सव मनाया जाएगा। बता दें कि इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को सरकार की ओर से किताबें बांटी जाएंगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि इस पुस्तकोत्सव में भाग लेकर बच्चों को उत्साह बढ़ाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले गुरुवार को अपर मुख्य सचिव के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर यह निर्देश दिया गया था कि वे सभी हर हाल में 11 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार है जब बच्चों को विभाग की ओर से पैसे के बदले सीधे किताबें दी जा रही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे जो पैसे मिलने के बाद भी किताबें नहीं खरीदते थे। बिहार से बाहर इन 5 राज्यों के लिए चलेंगी 1000 नई बसें। बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में जाने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बहुत जल्द ही बिहार के 5 पड़ोसी राज्यों के लिए अंतरराज्यीय 1000 बसों के परिचालन की शुरुआत की जाने वाली है, जो कि कुल 350 रूटों पर चलेंगी। लेकिन इन सब के बीच बिहार के लोगों के लिए खास बात यह है कि यह सुविधा लोगों को इसी वर्ष यानी कि 2023 के जुलाई महीने से ही मिलने वाली है। बता दें कि जिन 5 राज्यों के लिए बसों के परिचालन की शुरुआत की जा रही है, उनमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। वहीं बिहार के जिन जिलों से इन बसों का परिचालन किया जाएगा, उनमें पटना, सीतामढ़ी, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, गया और औरंगाबाद सहित कई जिले शामिल है। मालूम हो कि इन 1000 बसों में से 200 बसें लग्जरी होंगी। इन सभी के अलावा बिहार सरकार की ओर से बिहार के करीब 30 शहरों से दिल्ली के लिए भी बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह बस सेवा दिल्ली सरकार के द्वारा सहमति दिए जाने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
आज है ईस्टर संडे, आज यानी कि 9 अप्रैल 2023 को ईस्टर रविवार है। बता दें कि यह विश्व स्तर पर ईसाई समुदाय के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। मालूम हो कि ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी कि आज के दिन रविवार को ईसा मसीह द्वारा जी उठे थे। इसी खुशी में ईसाई लोग आज के दिन को ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा ईसाई धर्म के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ में भी लिखा गया है कि पुनर्जीवित होने के बाद यानी ईस्टर संडे के बाद 40 दिन तक ईसा मसीह पृथ्वी पर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। उसके बाद वे स्वर्ग चले गए। बता दें कि आज के दिन ईसाई धर्म के लोग गिरजाघर में जाते हैं और प्रभु यीशु को याद करते हैं और गिरजाघरों में मोमबत्तियां जलाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और एक दूसरे को प्रभु यीशु के जीवित होने की खुशी में बधाई देते हैं। गया जी डैम पर विराजेंगे 108 फीट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा। बिहार के गया जी डैम, जिसका निर्माण लगभग 400 करोड़ रुपए के लागत से किया गया था, वह बहुत जल्द ही लोगों के लिए पर्यटन स्थल बनने वाला है। दरअसल बहुत जल्द ही गया जी डैम के बीचों बीच भगवान विष्णु की 108 फीट चतुर्भुजाकार ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इस बारे में गया डीएम डॉक्टर त्यागराजन का कहना है कि इस प्रतिमा का स्थापना जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल अभी गया जी डैम की सफाई चल रही है और इसकी शुरुआत डैम के बीच में करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ तथ्यों को लेकर प्रस्ताव को संबंधित विभाग को फिर से भेज दिया गया है। विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष के द्वारा ब्लैक स्टोन और गया जी डैम के बीचों बीच प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई है, जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। 26 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला किया है। सरकार की तरफ से 26 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें कई जिलों के एसपी का तबादला किया गया है। बिहार के मशहूर अधिकारी आईपीएस लिपि सिंह, जो कि सहरसा की एसी थी, उन्हें बीएमपी 2 का कमांडेंट बनाया गया है। वैशाली के एसपी मनीष को सीआईडी का नया एसपी बनाया गया है। सीतामढ़ी के एसपी हरकिशोर राय को बीएमपी 16 में कमांडेंट पद पर तैनात किया गया है। सुपौल के एसपी डी अमरकेश को पश्चिम चंपारण का एसपी बनाया गया है। इधर डीआईजी 13 के कमांडेंट शैशव यादव को सुपौल का नया एसपी बनाया गया है। पश्चिम चंपारण के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा को सहरसा का एसपी बनाया गया है। पूरन कुमार झा को पटना का नया ट्रैफिक एसपी बनाया गया है। गया के सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद को बीएमपी 12 को कमांडेंट बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय ने एआईजी रमन कुमार चौधरी को जमालपुर रेल पुलिस का एसपी बनाया है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे रानीगंज वृक्ष वाटिका के बारे में। रानीगंज वृक्ष वाटिका बिहार राज्य के अररिया जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह पटना से 310 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक फारबिसगंज फोरलेन से दक्षिण कुर्सेला जाने वाले एसएच 77 के पूर्व किनारे 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह स्थल बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित वन भूमि है। रानीगंज वृक्ष वाटिका क्षेत्र को पूर्व में हसनपुर बालूधीमा के नाम से जाना जाता था। 289 एकड़ में फैले इस क्षेत्र को प्राकृतिक वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। इसके परिवर्तित स्वरूप को पर्यटकों की आवश्यकता अनुसार आकर्षक रूप प्रदान किया गया है। वर्तमान में रानीगंज वृक्ष वाटिका बिहार राज्य का एक अत्यंत दर्शनीय मनोरम पर्यटन स्थल, प्रकृति एवं स्वास्थ्य प्रेमियों के लिए आदर्श स्थल तथा सुधार्थियों हेतु अध्ययन स्थल के रूप में निर्मित किया गया है। हज यात्री अब कैशलेस जा सकेंगे मक्का मदीना। अब हज यात्री बिना कैश के भी मक्का मदीना जा सकते हैं। दरअसल केंद्रीय हज कमेटी के द्वारा हज यात्रियों को फॉरेक्स कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि उन्हें कैशलेस सुविधा प्राप्त हो सके। बता दें कि हज यात्रियों को यह कार्ड हवाई अड्डे पर हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले दिया जाएगा। मालूम हो कि इस कार्ड की मदद से यात्री सऊदी अरब में रियाल निकाल सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हज यात्रियों को यह कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि यह कार्ड पाने के लिए यात्रियों को उसी समय 10,000 रूपए बैंक कर्मचारियों को देने होंगे, जिसके बाद बैंक की ओर से ATM कार्ड की तरह फॉरेक्स कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। बता दें कि अगर इस कार्ड में आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, तो ऐसी हालत में आप भारत में अपने परिजनों को फोन करके भी अपने कार्ड में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। बिहार के दो जगहों से शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करों की गिरफ्तारी और शराब की खेप बरामद की जाती है। बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां दो स्थानों से शराब की खेप बरामद की गई है। बता दें कि एक तरफ जहां बीते शुक्रवार को जिले के बेला थाना क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया से 1 करोड़ का अवैध शराब स्क्रैप फैक्ट्री से पकड़ाया, जिसमें करीब आधा दर्जन वाहन भी जब्त किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिन यानी कि शनिवार को जिले के सकरा थाना क्षेत्र के बागी में एक ट्रक अवैध शराब बरामद किया गया, जो सीमेंट की आर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। बता दें कि इस बात की पुष्टि सकरा थानेदार राजू पाल के द्वारा की गई है। कोरोना से लड़ने के संसाधनों की होगी पड़ताल।
राज्य में प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होते जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पतालों में अपने कोरोना से लड़ने के संसाधनों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस जांच पड़ताल में विशेषकर यह जांच की जाएगी कि जो विषम परिस्थिति में अस्पताल प्रशासन उससे निपटने में सक्षम है या नहीं। बता दें कि विभाग की ओर से आगामी 10-11 अप्रैल को होने वाले राष्ट्रव्यापी मॉकड्रिल के पहले स्वास्थ्य संस्थानों में अपने स्तर से संसाधनों की पड़ताल करने का निर्देश दे दिया गया है। मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह जांच पड़ताल का कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश प्रदेश में सबसे अधिक किल्लत ऑक्सीजन की हुई थी। यही परेशानी दोबारा न आ सके इसके लिए विभाग की ओर से यह कार्य किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज के स्टाफ के रिटायरमेंट से 2 महीने पहले ही हो जाएगा ये काम। बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल अब यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन और सेवांत के लिए चक्कर न लगाना पड़े। इसके लिए रिटायरमेंट से 2 महीने पहले ही उनके पेंशन के कागजात को तैयार कर लिया जाएगा। बता दें कि इस मामले को लेकर कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर के द्वारा नाराजगी जताई गई थी और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया था कि वे हर दिन की प्रगति रिपोर्ट राजभवन को भेजे ताकि राजभवन इस पर सीधी नजर रखी जा सके। वहीं कुलाधिपति के आदेश के बाद राजभवन के संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता के द्वारा पत्र जारी कर राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज को यह निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षकों और कर्मचारियों के रिटायर्ड होने से पहले पेंशन और सेवांत के कामों को निपटा लें। इसके साथ ही लंबित मामले निपटाने के लिए यूनिवर्सिटीज को आवेदन मिलने के 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित करें। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए VTR में बनेगा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की ओर से हर कोशिशें की जा रही है। इसी कोशिश के तहत अब राज्य सरकार की ओर से वन विभाग मुंगेर रेंज में वन्य जीव अभयारण्य विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक पर्यटक परिसर बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। बता दें कि यह पर्यटक परिसर VTR के मंगुड़ाहा वन क्षेत्र में निर्धारित 3 एकड़ भूमि पर फैला होगा जो सभी विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। मालूम हो कि इस बारे में VTR प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी कुंदन कुमार को एक पत्र भी लिखा गया है। वहीं टूरिस्ट परिसर को लेकर VTR के एक अधिकारी का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से जमीन दिए जाने के बाद इस पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी और फिर फंड की मंजूरी के लिए जिला प्रशासन के पास पत्र भेजने का काम किया जाएगा। ऑनलाइन जमाबंदी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भूमिका खत्म। राज्य के राजस्व व भू अभिलेख के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया जा सके इसके लिए बिहार सरकार की ओर से एक और बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें किए गए बदलाव के तहत अब ऑनलाइन जमाबंदी में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भूमिका को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि पहले इनकी भूमिका ऑनलाइन जमाबंदी में महत्वपूर्ण हुआ करती थी, लेकिन नए बदलाव के बाद अब सरकार की ओर से उनसे उनका मेकर का अधिकार खत्म हो गया है। मालूम हो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जिम्मेवारी का राजस्व कर्मचारी को सौंप दी गई है। बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी के 3 स्तरीय सोपान को बदल दिया गया है। इस बदलाव को लेकर विभाग के द्वारा सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेज उन्हें इस नई व्यवस्था की जानकारी दे दी गई है। सोनू सूद से मिलने जाएंगे बेगूसराय के चंद्रशेखर। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले चंद्रशेखर की सुरीली आवाज का वीडियो वायरल होने के बाद अब उन्हें बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का कॉल आ गया है। उन्होंने चंद्रशेखर से मिलने की इच्छा जताई थी। बता दें कि कुछ समय पहले चंद्रशेखर के द्वारा सोशल मीडिया पर सोनू सूद को टैग करके एक गाने का वीडियो डाला गया था और म्यूजिक इंडस्ट्री में मौका मिलने की गुहार लगाई गई थी, जिसे एक्टर ने सुन ली और वह सोनू सूद ने चंद्रशेखर को कॉल कर दिया, यानी कि अब वह जल्द ही सोनू सूद से मिलने वाले हैं। वहीं एक समाचार पत्र से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वह सोनू से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। चंद्रशेखर ने बताया कि 9 अप्रैल को पूर्णिया में सोनू सूद का इवेंट था जो कि अब कैंसल हो गया है। इसके बाद ही सोनू सूद ने उन्हें कॉल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रशेखर का जो गाना वायरल हुआ था वह अल्लू अर्जुन का गाना श्रीवल्ली था। बिहार में तेजी से चढ़ रहा पारा। बिहार में अब मौसम पूरी तरह से बदलने लगा है। गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की तपिश के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले कुछ समय से कभी बादल तो कभी बारिश के चलते चिलचिलाती गर्मी से लोगों को बड़ी राहत रही। हालांकि पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अब स्थिति बदल चुकी है, अब पारा ऊपर जाएगा इसका असर नजर आने लगा है। IMD के मुताबिक मौसम अगले कुछ दिन शुष्क बना रहेगा। हाल के दिनों में बारिश के हालात नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा। 11 अप्रैल तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस दौरान 1-2 जगहों पर आसमान में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश के हालात अभी नहीं है। तापमान में उछाल और गर्मी बढ़ने की वजह से लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत
सबके पहले अंडर वाटर ट्रेन की होने जा रही टेस्टिंग। बहुत जल्दी भारत को उसका पहला अंडर वाटर ट्रेन मिलने वाला है। दरअसल आज यानी कि 9 अप्रैल को भारत के पहले अंडर वाटर ट्रेन की टेस्टिंग की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मेट्रो हुगली नदी में बने टनल से होकर गुजरेगी, जिसमें कुल 6 कोच जुड़े होंगे। मालूम हो कि मेट्रो सॉल्ट लेक में हावड़ा मैदान और सेक्टर वी को जोड़ने वाला ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर वी सेक्शन और सियालदह के बीच कम दूरी के लिए चालू है। बता दें कि इस ट्रेन की टेस्टिंग एस्प्लेनेड और हावड़ा मैदान के बीच 4.8 किलोमीटर की दूरी पर की जाएगी। KMRC के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। मालूम हो कि इस मेट्रो की शुरुआत होने से लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। आज है राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी, तेजस्वी ने लिया तैयारियों का जायजा। हर साल की तरह इस साल भी आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर दावत ए इफ्तार का आयोजन किया जाने वाला है। ऐसे में राबड़ी देवी के आवास पर इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इफ्तार पार्टी में आने वाले लोगों के लिए टेबल कुर्सी आदि लाए और लगाए जा रहे हैं। वहीं बीते दिन यानी कि शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा आज होने वाले इफ्तार पार्टी का जायजा लिया गया और इससे जुड़े कई जरूरी निर्देश भी दिए गए। बता दें कि दिए गए निर्देश के तहत इन बातों पर ज्यादा ध्यान रखने को कहा गया है कि रोजेदारों को इफ्तार वजू और नमाज की अदायगी में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। बता दें कि आज होने वाले इस इफ्तार पार्टी में अब्दुल बारी सिद्दीकी, तनवीर हसन, मंत्री आलोक मेहता, इसराइल मंसूर, पूर्व विधायक भोला यादव, एजाज अहमद समेत कई नेता शामिल होने वाले हैं। मालूम हो कि एजाज अहमद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज होने वाले इस इफ्तार पार्टी में चना की घुघनी, बैगनी कचड़ी, प्याजू रूह अफजा की शरबत, खजूर क्रीम चॉप, इमरती के अलावा फल वे अंगूर, सेब, पपीता, तरबूज आदि है। वहीं अजान होने के बाद रोजा खजूर से खोला जाएगा। आज कुशवाहा ने राजधानी में बुलाई बड़ी बैठक। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश की तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आज यानी कि 9 अप्रैल को बिहार की राजधानी पटना में अहम बैठक बुलाई गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी रालोजत के प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि इस बैठक में भाग लेने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों के पार्टी के प्रमुख नेताओं को आमंत्रण दिया गया है। आज होने वाले इस बैठक में कार्यकर्ताओं के लिए एक मॉडल पेश किया जाएगा। इसके साथ यह भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। बीते दिन के दो मुकाबले में CSK और राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत। चेन्नई सुपर किंग्स ने टीम मुंबई इंडियंस को उनके ही घरेलू मैदान यानी कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस की टीम ने चेन्नई के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के द्वारा 18.1 ओवर में 3 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया गया। मालूम हो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अजिंक्य रहाणे ने अपना पहला मैच खेलते हुए 19 गेंद पर 50 रन पूरा कर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स अब अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को 200 रनों का लक्ष्य दिया था। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने अर्धशतक जड़े, जिसके जवाब में दिल्ली के द्वारा 9 विकेट के नुकसान पर 142 रन ही बना सकी और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स 57 रनों से मैच जीत गई। वहीं आज के दिन दो मुकाबला खेले जाएंगे। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल साम्राज्य का बादशाह औरंगजेब ने 1669 में सभी हिंदू स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। भारतीय और पाकिस्तान की सेना के बीच 1965 में कच्छ के रण में लड़ाई छिड़ी। अन्ना हजारे को 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए 1 करोड़ रुपए के IIPM रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में भारत के कई आपराधिक मामलों में वांछित माफिया सरगना अबू सलेम के भारत प्रत्यर्पण संबंधी आदेश की पुनः समीक्षा करने को कहा। हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यान का जन्म 1893 को हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री जयराम रमेश का जन्म 1954 को हुआ। प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का 1981 को निधन हुआ था। आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
बात करेंगे एक नई योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक नई योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकारी ब्लॉक नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में यह दावा किया गया है कि एक नई योजना के तहत केंद्र सरकार 21 साल से कम उम्र की सभी लड़कियों के बैंक खातों में 2,58,000 रुपए की राशि प्रदान कर रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वीडियो फर्जी है या धोखाधड़ी का प्रयास है, कृपया सावधान रहें। व्हाट्सएप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ला रहा एक मस्त फीचर। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो के मुताबिक व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो लोगों को स्टेटस प्राइवेसी सेक्शन के अंदर मिलेगा। यहां यूजर्स अपना फेसबुक अकाउंट ऐड कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि जो स्टेटस आप व्हाट्सएप पर लगा रहे हैं वो फेसबुक पर भी लग जाए तो आपको शेयर टू फेसबुक के ऑप्शन को ऑन रखना होगा। अच्छी बात यह है कि आप हर स्टोरी के लिए सेटिंग को बदल सकते हैं, यानी अगर आप एक स्टेटस को फेसबुक पर पोस्ट करना चाहते हैं और दूसरे को नहीं तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। फीचर की मदद से लोगों का टाइम बचेगा और वो एक ही समय पर दो अलग अलग जगह अपने दोस्तों को अपडेट दे पाएंगे। पुष्पा 2 के पोस्टर पर अल्लू अर्जुन के लुक का केआरके ने उड़ाया मजाक। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 का पोस्टर रिलीज किया जा चुका है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं अब खुद को क्रिटिक्स बताने वाले केआरके के द्वारा पोस्टर पर लगे अल्लू अर्जुन की तस्वीर का मजाक उड़ाया गया है। बता दें केआरके ने ट्वीट कर लिखा है कि यह पुष्पा 2 का पोस्टर है और मैं भ्रमित हूँ। मैं नहीं समझ सकता कि यह लक्ष्मी 2 है या कंचना। यह पुष्पा सीक्वल बिल्कुल नहीं लगता है। मालूम हो कि यह बात लिखते हुए उन्होंने पुष्पा 2 के पोस्टर को भी लगाया है। हालांकि अल्लू अर्जुन ने फैंस ने उनकी बात से सहमति नहीं जताई है और ने कहा है कि साउथ की फिल्मों में पहले ही सस्पेंस नहीं उठाया जाता। पुष्पा 2 फिर कई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आ रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सन्नी सहनी, कुश कुमार यादव, विपिन लाल वर्मा, श्वेता रॉय, रवि शंकर, जवाहर यादव, अभिषेक राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, वंजीव, पुरुषोत्तम झा, अतीक खान, सतीश आजाद, सुनील कुमार, विभा देवी, सुमित कुमार, विक्रम सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार हमारे द्वारा प्रतिदिन पेश होने वाली 25 खबरों में और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।